नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद की शहादत के 25वीं वर्षी पर भाकपा माले की पार्टी कार्यालय ने विरोध मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व माले विधायक सत्यदेव राम, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव सहित पार्टी के जिला सचिव के नेतृत्व में किया गया। विरोध मार्च कार्यालय से होते हुए शहर के बबुनिया मोड़ होते पूरे शहर में मार्च किया। पार्टी के जिला सचिव नईमुद्दीन अंसारी ने कहा कि देश और देशवासियों के सामने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा एक सबसे बड़ा सवाल हो गया है। वहीं बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम जिन तत्वों ने 25 साल पहले किया था वो आज सत्ता में हैं। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में आपसी सौहार्द भाईचारा खत्म कर दिया गया है। सांप्रदायिकता का जहर समाज में फैलाने का काम कर रही है, जिसके कारण आज भाकपा माले काला दिवस के रूप में मनाने का काम कर रही है। और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया है उन्हें सजा दिया जाए, नहीं तो भाकपा माले आगे भी आंदोलन करेगी। नीति है इस राजनीति के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उन्माद उत्पाद की राजनीति के खिलाफ हम जनसंघर्ष तेज करने की बात कर रहे हैं। और बाबरी मस्जिद विध्वंस करने वालों को कानूनी कार्रवाई ये सरकार नहीं कर रही है। हम मांग कर रहे हैं कि उन्हें फांसी हो कानूनी कार्रवाई के तहत। अगर ये काम नहीं होता तो भाकपा माले हर साल ये 6 दिसंबर काले दिवस के रूप में मना रही है। सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता, आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने जमा।